इसी लाइन को सचिवाद खड़ा किया है। ढोल तमाम सूत्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। तारणा का अर्थ आप लोग जानते हैं, तारण यानी उद्धार करना, ताजन नहीं, तारण अर्थात उद्धार करना। ढोल जो जानवर के चमड़ा से ढोल बनता है और वह ढोल तब उद्धार होता है जब वो प्रभु वो जानवर की चमड़ा जो ढोल बनता है और वो ढोल कीर्तन में आती है तो प्रभु के भजन कीर्तन में इतनी सुंदर वाणी में वो बोलता है, बच्चे बजा सकते हैं, इतनी सुंदर वाणी में बोलता है वो जानवर को प्रभु उद्धार करते हैं। उसका मरने के बाद भी उसके चमड़ा पर भी प्रभु के काम में आता है, तो आइए उसकी उद्धार हो जाता है। गवार जिसे आप सबसे गवार समझते हो, गुण उसका दिल शून्य हो गया है, उसे आप इंसानों है, उसे हृदय दृष्टिकोण से आप देखते हैं, लेकिन वो अपनी निश्चल होता है, उसका हृदय बिल्कुल पाक होता है, पवित्र होता है और वो राम का परम प्रिय होता है। चूंकि वो असत्य कभी नहीं बोल सकता, बुरा कर्म कभी नहीं करता, जो गवार होता है कभी नहीं बुरा कर्म करता है, क्योंकि छल होता है नहीं, इसलिए राम के परम प्रिय होता है, इसलिए उसे भी उद्धार राम ने किया। सूत्र 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 आपने सुना सुंदरी कांड में निषाद, निषाद को हमारे प्रभु राम ने उद्धार किया, राम ने उद्धार किया और हृदय लगाया, हृदय लगाया प्रभु राम ने। नारी जो पति के साथ से पत्थर हो चुकी थी अहिल्या, ऐसे अहिल्या को उन्होंने उद्धार करके नारी के रूप में फिर से परिवर्तित किया, उसे उद्धार किया, उसके श्राप से मुक्ति दिलाई। दूसरी नारी जाति के भीरणी मुसहर, उसको मुसहर कहते हैं, जाति के भीरणी सबरी जिसका जूठा भय राम ने खाया, जिसका जूठा भय राम ने खाया और उसे उद्धार किया। अब आप बताइए इस सेंटेंस में कहाँ जाति का भय लिखा हुआ और कहाँ जाति भर जाता है, और ये तो भाई कहाँ जाति आप सभी विद्वानों की मंडली है,